हमें आपको हर किसी को तस्वीरें खिंचवाने का, सेल्फी लेने का बहुत शौक है, तो आपको बता देती हूँ आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। जी हाँ, विश्व फोटोग्राफी दिवस। और कहते भी हैं एक तस्वीर हजार शब्दों को बयां करती है। तो अदिति, आज देशहित की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से हम लोग करते हैं। देखिए, सीबीआई जांच पर आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले इस तस्वीर को जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है आज। सोचा इस तस्वीर से शुरुआत करें, क्योंकि इस तस्वीर को सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया था। महाभारत से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की तस्वीर वैसे तो हमने आपने कई बार देखी है, लेकिन शायद आज जब आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो इसमें इमोशंस अलग हैं, क्योंकि इसे आपको सुशांत सिंह राजपूत की बहन के नजरिए से देखना चाहिए। इसमें सिर्फ हजार शब्दों की ताकत नहीं है अमर। बिल्कुल, इसमें आप समझिए एक बहन का दर्द है। जब एक बहन आज भाई के लिए, जब इंसाफ की उम्मीद एक जगी 66 दिन बाद, तो ये फोटोग्राफ ट्वीट की गई। इस तस्वीर में एक बहन का दर्द है, परिवार के इमोशंस हैं, इंसाफ के लिए एक परिवार की उम्मीद है इन तस्वीर में। जी हाँ, आपको बता देते हैं श्वेता सिंह कीर्ति जिन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की है, प्रियंका, नीतू और नीतू, ये चार बहनें हैं जिनके इकलौते भाई सुशांत सिंह राजपूत कभी वापस नहीं आएंगे। ये बहनें अपने भाई से कभी नहीं मिल पाएंगी और अपने भाई के साथ कभी भी इस तरह से हंसते हुए कोई तस्वीर भी नहीं खिंचवा पाएंगी। लेकिन आज ये बहन थोड़ी शांत जरूर हुई होंगी। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज हमको लगा कि देशहित की शुरुआत इन तस्वीरों के साथ जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और आज ही के दिन 66 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में न्याय की, हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत कम से कम हुई है। मतलब आप कह लीजिए ये पहला पड़ाव है न्याय का, जो जी न्यूज का न्याय पथ था सुशांत को न्याय दिलाने के लिए। जी न्यूज के न्याय पथ में ये आज अदिति शायद सबसे अहम पड़ाव, पहला पड़ाव। लेकिन हमारे दर्शकों के जहन में ये सवाल भी होगा कि सुशांत सिंह केस में संपूर्ण न्याय कब होगा। एक ऐसा केस जो खबर नहीं है, क्योंकि इस केस के साथ हम, आप, आपका परिवार, छोटे-छोटे बच्चे, हर किसी की भावनाएं, एक मास मूवमेंट हमने देखा जब मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठे। देखिए, न्याय की उम्मीद जगी आज से। ये लड़ाई हम लगातार कह रहे हैं, ये सुशांत की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई पूरे देश की है। इसलिए आज सुशांत देश से कुछ कहना चाहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो इस फैसले से आस्था और गहरी हुई है और दृढ़ हुई है। मेरी मौत का सच सामने आए, इसके लिए पूरे देश ने संघर्ष किया है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई जांच के लिए पूरा देश एकजुट रहा है, क्योंकि आपके मन में कई सवाल थे। आखिर सुशांत ने खुदकुशी की या उनकी हत्या की गई? सुशांत के डिप्रेशन पर रिया और गवाहों के बयान अलग क्यों? सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ किसने निकाले? 66 दिन तक मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं की? इन सवालों का जवाब अब सीबीआई जांच से मिलने की उम्मीद बढ़ी तो हर कोई खुश है। मैं आपके बीच नहीं, लेकिन हमारी मान्यताओं ने जिस पर लोक की कल्पना की है वहां से सब देखा है मैंने, दोस्तों को भी और उनको भी जो कहते थे कि वो मेरे दोस्त हैं, मुंबई पुलिस को भी, उसकी जांच को भी, आपको भी और मेरे लिए आपकी लड़ाई को भी। मेरी मौत पर सनसनी फैलाने वालों को भी मैंने जाना है और मेरे लिए न्याय की मुहिम चलाने वालों को भी मैंने पहचाना है। सुशांत के लिए न्याय की मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी हमारे लिए एक समाचार नहीं, एक संकल्प है। बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, बड़ी जानकारी, इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई करेगी। सीबीआई जांच के बाद मुझे कब न्याय मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन अमन, अब जब हम अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं, बहुत सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि सीबीआई जांच, जी हाँ, इस केस में सीबीआई जांच हो उसमें 66 दिन का वक्त लग जाता है। अगर ये कोई हाई प्रोफाइल केस, इस सेंस में कह रही हूं कि किसी बड़े नेता के बेटे होते, किसी बड़ी शख्सियत के बेटे होते, तो क्या तब भी उनके परिवार को इसी तरह का संघर्ष करना पड़ता? कुछ लोगों को इस चीज का डर था दीदी कि इतने बड़े थोड़ी ना सुशांत, जो इतना हो हल्ला मचाए जा रहे हैं, कौन सुशांत, लोग इस तरह की भी बातें कह रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत से कह रहे हैं कि सनसनी नहीं सच, काल्पनिक नहीं प्रामाणिक खबर है, और जी न्यूज का न्याय पथ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आखिरकार सीबीआई जांच
मतलब आप कह लीजिए कि बेशक एक बड़ी जीत है, लेकिन आदिति ये जीत अभी पूरी नहीं हुई। जी हाँ, यहाँ पर हमारे दर्शकों का सवाल ये भी होगा कि सीबीआई जांच का फैसला तो आ गया, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? सीबीआई जांच होगी किस तरह से और कैसे ये जांच सुशांत के लिए न्यायपथ सुनिश्चित करेगी? अमन सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताते हैं कि सीबीआई की जांच होगी कैसे। देखिए, सबसे पहले अब होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। आप जानना चाहेंगे ना अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी, और मुंबई से खबर हम अपने दर्शकों को पहले ही हेडलाइंस में दे चुके हैं कि अगर 7 दिनों से कम रहती है तो क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। और जब ये सीबीआई की टीम जाएगी तो एसआईटी की टीम होगी दरअसल, जो मुंबई पुलिस से केस की डायरी लेगी, और सीबीआई मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह का मोबाइल लेगी। इसके अलावा मुंबई पुलिस से फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब ली जाएगी, मतलब तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो मुंबई पुलिस सीबीआई को सौंपेगी। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत का जो घर है उसकी फोरेंसिक जांच वो सीबीआई की एसआईटी द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया सुशांत सिंह राजपूत का, उनसे भी पूछताछ संभव है। दिशा सालियान के केस की बात बार बार की जा रही है, तो उनकी संदिग्ध आत्महत्या की जांच भी संभव है। इसके अलावा सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो सकती है। सुशांत केस में सभी गवाहों आरोपियों के बयान अब दर्ज होंगे। अब आगे क्या होगा, अब क्या सीबीआई करेगी, ये आप सब जानना चाहते हैं ना। बिहार पुलिस की केस डायरी के आधार पर भी सीबीआई की एसआईटी जांच करेगी। और जब हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं अमन, तो मुझे लगता है रिया चक्रवर्ती भी कहीं खुश हो रही होंगी, क्योंकि वो भी तो कह रही थी कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये फैसले में लिखा गया है, जो फैसला किया गया कि सीबीआई को जांच सौंपी जा रही है, उसमें लिखा गया है कि रिया खुद भी चाहती थी। देखिए, वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने देश का आभार जताया, आप सबका, हम सबका, पूरे देश के जनमानस का आभार जाहिर किया है परिवार ने। इस परिवार के सेंटीमेंट, इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। परिवार कह रहा है कि मजबूती से हमारा साथ देने के लिए वो कृतज्ञ हैं। परिवार ये भरोसा जता रहा है कि दोषियों को अपराध की सजा मिलेगी। जी हाँ, इंसाफ की उम्मीद जग गई है परिवार के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए, देश के लिए। ये सुशांत सिंह के परिवार की जीत है। ये दो बहनों की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सीबीआई फॉर एसएसआर। ये एक पिता के अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई की पहली जीत है। ये जीत और निष्पक्ष जांच की ओर पहला कदम है। सुशांत का पूरा परिवार जिस फैसले का इंतजार कर रहा था वो आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को दे दी। इस फैसले से सुशांत के परिवार को एक आस लगी है। सबसे पहले सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया और कहा कि वो बहुत खुश हैं। जीत और निष्पक्ष जांच की ओर ये पहला कदम है। हम परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहां तक पहुंचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। सुशांत की मौत के बाद से ही सुशांत का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने भी फैसले पर खुशी जताई और कहा कि आखिरकार केस की जांच सीबीआई करेगी। सुशांत सिंह के प्रशंसकों का धन्यवाद। मौत के 66 दिन बाद सुशांत सिंह को मिली ये पहली विजय है। लड़ाई लंबी है, लेकिन न्याय की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक लाइन में सीबीआई जांच से जुड़े फैसले का जिक्र करूं तो सही कदम, अहम पड़ाव, लेकिन बड़ा सवाल यही कि किस तरह से संपूर्ण न्याय सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके परिवार को इस मामले में मिल पाएगा। और अब जल्द ही सीबीआई जो है सुशांत केस की जांच शुरू कर देगी। और सीबीआई जांच क्यों सुशांत की मौत के मामले में न्याय की पहली सीढ़ी, हम जो बार बार कह रहे हैं ना मैं और आदिति कि ये पहला पड़ाव, अहम पड़ाव, पहली सीढ़ी, ये सीबीआई द्वारा सुलझाए गए कई मामले बता रहे हैं। आपको बताते हैं सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड, तो आप समझ जाएंगे कि पहली सीढ़ी हम क्यों कह रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि क्यों हर कोई सीबीआई से ही जांच की बात करता है। दरअसल भवरी देवी हत्याकांड वर्ष 2012, इस हत्याकांड ने, आपको याद भी होगा, आप में से कई लोगों को याद होगा, राजस्थान की सियासत ने इसने भूचाल ला दिया था और इस केस को सीबीआई जांच से ही सुलझाया गया था। आप जानते हैं सत्यम घोटाला,
जब सीबीआई जांच के बाद अप्रैल 2015 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस घोटाला कांड में बहुत चर्चा हुई थी, बी रामलिंगा राजू उसको पकड़ लिया था, उसके दो भाई और सात अन्य लोगों को सजा सुनाई थी, ये भी सीबीआई ने सॉल्व किया, इसलिए सीबीआई से बहुत उम्मीद। आपको कोटखाई गैंगरेप और हत्याकांड याद होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में दरअसल 16 साल की लड़की से गैंगरेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई थी, तब देश में बहुत गुस्सा दिखा था और सीबीआई को जब जांच दी गई तो 9 महीने में इस केस को सुलझाया गया। इसके अलावा 1968 में आपको पता होना चाहिए भारतीय जनसंघ के जो अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय हत्याकांड को भी सीबीआई ने ही सुलझाया। और फिर वर्ष 1975 में बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन रेलवे मंत्री एलन मिश्रा, उनका नाम एलन मिश्रा, हत्याकांड भी सीबीआई की टीम द्वारा ही सुलझाया गया था। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस रहे जहां पर सीबीआई की जांच वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक उम्मीद की जा रही थी। कौन से वो केसेस थे? टूजी स्कैम, आरुषि हत्याकांड, बोफोर्स केसेस जैसे कई मामलों में सीबीआई पर भी सवाल उठे और सीबीआई जांच के बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिल सकी थी। यहाँ पर आपके लिए समझना जरूरी है कि जो हम आपको खबर दिखाते हैं संपूर्ण सत्य के साथ दिखाते हैं, और हमने आपको दिखाया था कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत के निधन जब ये खबर आई तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जी न्यूज ने, हम सनसनीखेज नहीं करते, हम सेंसेशनलाइज नहीं करते, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ इस खबर को दिखाते रहे, आप तक पहुंचाते रहे। देखिए कुछ चैनल्स परिवार का भी चरित्र हनन कर रहे थे, सुशांत सिंह उनके परिवार के प्रति पूर्ण रूप से जी न्यूज संवेदनशील रहा, ये हम आज दावे के साथ कह सकते हैं। हमने काल्पनिक कहानियां आपको नहीं सुनाई, हमने कुछ भी ऐसा नहीं आपको दिखाया जो कि तथ्य पर आधारित ना हो, सनसनीखेज नहीं बनाया हमने। हमने क्या किया, जी न्यूज ने क्या किया, आप हमें लगातार देखते आए, हमने इंसाफ के लिए गुहार लगाई, इंसाफ के लिए मुहिम चलाई, क्योंकि आप जानते हैं जी न्यूज की परंपरा ही है उसका दृष्टिकोण। देखिए जी न्यूज भारतीय संविधान की आत्मा यानी कि प्रस्तावना में वर्णित न्याय की गंभीरता को समझता है। इसमें लिखा क्या है जो हमारा आधार था कवरेज का, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। वी द पीपल, हम भारत के लोग। अगर आप अभिभावक हैं, आप पेरेंट हैं, माता पिता हैं, तो इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये खबर आपके बच्चे से जुड़ी हुई है, उसे मोबाइल फोन या टैबलेट की आदत अगर उसको कोरोना काल में लग गई है तो पूरी खबर को बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपका बच्चा भी घंटों वीडियो गेम्स या ऑनलाइन गेम्स देखते हो सकता है आप भी फ्री रहने के लिए मोबाइल पकड़ा देते होंगे बच्चे को और साइड हो जाते होंगे, तो बहुत डेंजरस है, खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए कोरोना काल में घर में बंद आपके बच्चों को कितना नुकसान हो गया, और यहाँ पे मैं कहूंगी सिर्फ बच्चों को नहीं पूरे परिवार को, क्योंकि आपके लिए भी वो नुकसान है और बच्चों में इस तरह की आदत बहुत गंभीर बात है। बच्चों को व्यस्त रखने का ये तरीका कहीं आपके बच्चों को आपसे ही दूर तो नहीं कर रहा है? कोरोना काल में शायद आप अपनी नौकरी या घर के काम करने में व्यस्त रहे होंगे, और इस दौरान शायद आपने भी अपने बच्चों को शांत रखने के लिए उन्हें मोबाइल फोन या टेबलेट दे दिया होगा। ये तरीका आसान जरूर है, लेकिन इंटरनेट गेम्स और सर्फिंग की वजह से बच्चों को मनोवैज्ञानिक बीमारियां हो सकती हैं, और वैज्ञानिक इंटरनेट की आदत को ड्रग्स की तरह मानते हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने पूरे परिवार को मोबाइल की आदत लगा दी। कोरोना में बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या, या तो टीवी देखो या फोन पे गेम खेलो, वही है। फोन का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया घर के अंदर, एंड एवरीबडी हैज़ गॉट नाउ, एवरीवन हैज़ इट्स ओन फोन, या टैब है या फोन है, तो उसी से चल रहा है। अपने अपने क्लासेस होते हैं, मेरी छोटी बेटी छोटी है तो मुझे भी उसके संग बैठना पड़ता है, सारे दिन होमवर्क आता रहता है वो कराना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ये सब बहुत होता है, और न्यू डिशेस चाहिए बच्चों को तो वो भी मेरे को बनानी पड़ती है, फोन से ही देख देख के बनाती हूँ, फिर तो ये सब चलता ही है अभी।
आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लास से लेकर गेम्स खेलने और दोस्तों से बातचीत करने के लिए भी इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, और कई बार तो ऑनलाइन पढ़ाई का बोझ ही बच्चों का बचपन छीन रहा है। इस वजह से मेरे फोन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मेरे आईज पे बहुत स्ट्रेस आ रहा है और मेरे सर में दर्द होता है, मुझे चक्कर जैसा लगता है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है और इसी वजह से हेल्थ में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल फोन या किसी गैजेट का इस्तेमाल करना बच्चों के लिए जरूरी हो गया है, लेकिन इसकी वजह से उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों में सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। आंखों और सिर में दर्द, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और बेचैनी जैसे लक्षण मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल का ही नतीजा है। कोई ना कोई एक एक्टिविटी या दो एक्टिविटी आपको उसमें करनी है। ऑनलाइन क्लासेस में भी आप योगा ट्रेन कर सकते हो, लोगों को बोलो कि अपने आसन करो, देख के आसन कर लो, ये पोस्चर में करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये चीज़ें हमें कल्टीवेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस मान लो अभी और 4 महीने 6 महीने तक खिंचती हैं तो बच्चों की हेल्थ पे इसका बहुत हैजार्ड होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दौरान स्मार्टफोन का इस्तेमाल 50% तक बढ़ गया है। इसमें काम के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल 100% तक बढ़ गया है। डिवाइसेस भी उस चीज़ के लिए इक्विप नहीं थी, डिवाइसेस भी ऑन एन एवरेज जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस हिसाब से ट्यून की जाती हैं। अब ये ओवरलोडेड सिनेरियो है कि इतने लोडेड सिनेरियो में क्या डिवाइस परफॉर्म कर पाएगी, वो सारी टेस्टिंग पहले नहीं हुई थी, तो वो अजीब से सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, हैंग हो जाती हैं डिवाइसेस, रीसेट हो जाती हैं, मेमोरीज भरना शुरू हो गई हैं, बैकअप्स लोगों के डिलीट होना शुरू हो गए क्योंकि ओवर राइट कर जाता है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में स्मार्टफोन पर हमारी निर्भरता जरूर बढ़ गई है, लेकिन आपको ये खबर देखने के बाद ये जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ये फोन आपकी बच्चों की सेहत तो खराब नहीं कर रहा, और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर आपके लिए सावधान होने का समय है। रूफी सैदी, जी मीडिया, दिल्ली। और अमन, हम यहाँ तो बच्चों की बात कर रहे हैं, हमें आपको सभी को फोन के साथ इतना चिपके रहने की आदत है, नोमोफोबिया कहते हैं उसे। लेकिन वेकअप कॉल है ये, इसलिए स्टोरी आपके लिए दिखाना बहुत जरूरी था कोरोना काल में खासकर। वैसे देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पटना में एक सर्वे किया गया जिसमें ये पाया गया कि इन शहरों में रहने वाले 82% बच्चे हफ्ते में 16 से 18 घंटे वीडियो गेम खेलते हैं। 16 से 18 घंटे कोरोना काल के दौरान बच्चे अब और भी ज्यादा वक्त, सोचिए जरा, मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स खेलने में बिता रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स के साथ समय बिताने से, ध्यान से सुनिए, बच्चों में गुस्सा और हिंसक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है, हिंसक प्रवृत्ति बनती है, मतलब चिड़चिड़ापन हो गया और मूड स्विंग्स आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद मानसिक लक्षणों की बारी आती है, जैसे बात बात पर गुस्सा आना, परिवार के लोगों से बातचीत कम कर देना। अगर किसी बच्चे में ये सारे लक्षण हैं तो इस बात की संभावना है कि वो बच्चा एंग्जाइटी या हो सकता है डिप्रेशन जैसी बीमारियों की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए जी न्यूज ने खबर आप तक पहुंचाई है ताकि आप पहले के मुकाबले और ज्यादा सतर्क और सावधान हो जाएं अपने बच्चों को लेकर। तो कुल मिलाकर हमने मोबाइल के स्क्रीन में पहले खुद को और फिर अपने बच्चों को जकड़ दिया, जिसका जिक्र मैंने भी थोड़ी देर पहले अमन से किया, और हमारे साथ यही आदत हमारे बच्चों को भी पड़ गई क्योंकि बच्चों ने अपने माता पिता को मोबाइल के साथ ही हमेशा देखा, जैसा उन्होंने देखा वैसे फॉलो किया। महान दार्शनिक रूसो ने कहा था कि बच्चों का मन कोरा कागज होता है और उस कोरे कागज पर आप जो लिखेंगे आपका बच्चा उसी कागज बनेगा। तो जब आप मोबाइल थमा रहे हैं तो समझ लीजिए वो जो देखेगा वही बनेगा। आप अपने बच्चों की मोबाइल लत से परेशान है तो पहले आपको ये लत छोड़नी होगी। अभी नोमोफोबिया अगर आपको है तो खुद भी ये लत छोड़ दीजिए और बच्चों को भी, तब आप मोबाइल से दूर कर पाएंगे। चलिए देशहित में बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, देश के 137 करोड़ भारतीयों के काम से जुड़ी हुई खबर, आपके हित की खबर, बहुत ध्यान से देखिएगा। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया था। ये एक तरह से आपकी सेहत की कुंडली होगा। जी हाँ, वन नेशन वन डिजिटल हेल्थ कार्ड, ये आपने सुना होगा। मतलब आपको होगा एक ही एक आईडी का नंबर मिल जाएगा, आईडी नंबर आपको मिल जाएगा, जैसे आधार नंबर है ना, ये आपका हेल्थ नंबर होगा, आईडी नंबर मिलेगा जिसमें आपकी सेहत से जुड़ी पूरी कुंडली होगी, हर जानकारी उस छोटी बड़ी जानकारी उसमें दर्ज होगी उस नंबर में। तो चलिए अब आपको तफसील से बता देते हैं कि आखिर हेल्थ आईडी काम कैसे करेगा, और इस आईडी से अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे फायदा क्या होगा, तो देख लीजिए इस रिपोर्ट में। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है।
भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। 137 करोड़ भारतीयों की सेहत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया था। ये ऐतिहासिक फैसला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जैसे ये पेशेंट ने मुझे दिखाया है, ये मेरे प्रिस्क्रिप्शन थी पिछली बार, ठीक है, तो ये ऑलरेडी इस पे है। एक्सरेज और एमआरआईज भी जो है आप आराम से, जैसे ये सर्जिकल फोटोज हैं। बहुत जल्द आपकी सेहत से जुड़ी सारी जानकारियाँ, टेस्ट रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन आपको एक क्लिक पर मिल जाएंगे। यानी आपको अपनी ढेर सारी फाइलें लेकर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी और ये सब मुमकिन होगा सिर्फ एक आईडी नंबर से। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक हेल्थ आईडी नंबर मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी आधार कार्ड नंबर है। आधार कार्ड में आपकी पूरी निजी जानकारी होती है, तो हेल्थ आईडी नंबर आपकी सेहत की पूरी जानकारी रखेगा। आपको बताते हैं कि आखिर ये हेल्थ आईडी नंबर काम कैसे करेगा। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। एनडीएचएम का जो प्लेटफॉर्म है वो सारे अस्पताल, लेबोरेटरीज और डॉक्टरों को सरकार और प्राइवेट के जोड़ेगा। और ये जो हेल्थ आईडी है, ये हेल्थ आईडी से जो जो हेल्थ रिकॉर्ड जनरेट होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, क्लिनिक में होते हैं, लेबोरेटरी में होते हैं, वो जुड़ते जाएंगे, तो उसके कंसेंट से वो सभी रिकॉर्ड वो डॉक्टर को दिखा पाएगा। अपने हेल्थ आईडी से आम लोग प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट डॉक्टरों और लैब की रिपोर्ट्स को भी जोड़ सकेंगे। हेल्थ आईडी के जरिए देश के किसी भी अस्पताल का कोई भी डॉक्टर मरीज की मंजूरी से उसका हेल्थ रिकॉर्ड एक क्लिक पर देख सकेगा। अब वो वक्त दूर नहीं है जब आप अस्पताल आएंगे तो फाइल्स लेकर नहीं, अपने टेस्ट रिपोर्ट को स्मार्टफोन में संजो कराएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक हेल्थ आईडी चाहिए होगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है, पायलट प्रोजेक्ट चालू है। लेकिन आप तक, मुझ तक हेल्थ आईडी कैसे पहुंचेगा, उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जा रही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से। इस मिशन की शुरुआत देश के 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हो चुकी है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। अब तक 3000 लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। अभी आधार कार्ड नंबर से ही हेल्थ आईडी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन आगे सिर्फ मोबाइल नंबर से ही हेल्थ आईडी का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। देश के कुछ बड़े अस्पतालों में मरीजों के रिकॉर्ड पहले से डिजिटल किए जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ उसी अस्पताल तक सीमित है, उनका रिकॉर्ड दूसरे अस्पताल या डॉक्टरों के काम नहीं आएगा। 90% लोगों के पास तो स्मार्टफोन, कंप्यूटर की उपलब्धि है, पर सबके पास नहीं होती। तो अगर आप छोटे छोटे से गांव में जाएंगे तो वहां पे हो सकता है उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सारे चीज़ों को डिजिटली स्टोर कर पाए। और अगर हम सबको यही बोलें कि सब कुछ एक क्लाउड में या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्टोर करें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अभी हेल्थ आईडी को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन इसकी अहमियत को देखते हुए सरकार ये मानकर चल रही है कि आने वाले वक्त में हेल्थ आईडी हर किसी की जरूरत बन जाएगा। दिल्ली से पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो हमने आपको ये बताया कि इस कार्ड में आईडी का मतलब क्या है, इस आईडी को आप कैसे लें, लेकिन हम आपसे ये भी अब आपको समझाना चाहते हैं कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड से आपको फायदा क्या होगा। ये आपका सवाल भी होगा और इसका जवाब भी हम आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले बड़ा सवाल यही होगा, एक बार फिर से दोहराते हुए, कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में होगा क्या। देखिए, आपको एक नंबर की तरह एक यूनिक हेल्थ आईडी नंबर मिलेगा, यूनिक हेल्थ आईडी नंबर, लोगों का वन नेशन वन हेल्थ कार्ड बन जाएगा इसके सर। तो ये यूनिक हेल्थ आईडी से फायदा क्या है, लोगों को हासिल क्या होगा? देखिए, यूनिक हेल्थ आईडी से किसी भी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री का पता चल पाएगा, पूरी मेडिकल हिस्ट्री उसके अंदर रिकॉर्ड। तो ये एक रिकॉर्ड होगा जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री है उसका, साथ ही आईडी नंबर में क्या क्या जानकारी दर्ज कर ली जाएंगी, मेडिकल हिस्ट्री आपने बताई, इसके अलावा और क्या जानकारी? इसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आप समझ लीजिए, लैब रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, यानी किसी व्यक्ति की पूरी मेडिकल कुंडली, मेडिकल हिस्ट्री एक जगह पर मौजूद होगी, एक नंबर के अंदर, यूनिक आईडी के अंदर। क्या हेल्थ आईडी नंबर से कोई भी
आपके स्वास्थ्य की रिपोर्ट देख पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी से जुड़ा हुआ, ये जो निजता है उससे जुड़ा हुआ मामला? नहीं, कोई नहीं देख पाएगा, आपकी मंजूरी के बगैर कम से कम कोई भी आपकी रिपोर्ट को नहीं देख पाएगा। डॉक्टर्स या किसी भी हॉस्पिटल को ये रिपोर्ट देखने से पहले आपकी इजाजत लेनी होगी, क्योंकि ये आपका यूनिक आईडी हेल्थ नंबर होगा। ठीक है, तो निजता का ख्याल इसमें रखा गया है। हेल्थ आईडी नंबर बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? फिलहाल आधार नंबर से ही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, भविष्य में हो सकता है फ्यूचर में सिर्फ मोबाइल नंबर से ही हेल्थ आईडी नंबर बनेंगे, लेकिन अभी के लिए आधार मैंडेटरी है। तो अगर आज हमारे दर्शक ये समझना चाहें कि हेल्थ आईडी नंबर उन्हें बनवाना है तो कैसे बनेंगे? अभी सिर्फ 6 केंद्र शासित प्रदेशों में सुविधा है, पूरे देश में अभी ये स्कीम लागू नहीं हुई है। www.nha.gov.in पर लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 6 केंद्र शासित प्रदेशों में ये सुविधा है, पूरे देश में अभी स्कीम लागू नहीं। देशित में आपको ये बता दें कि आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उत्सव है, तस्वीरें इसीलिए आपके स्क्रीन पर, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर का किस तरह से रोशन हुआ है आपके स्क्रीन पर। देखिए, पूरी तरह से सजा हुआ, रोशनी में नहाया हुआ प्रकाश उत्सव, स्वर्ण मंदिर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। देखिए तस्वीर, देखिए कितनी अच्छी तस्वीर, प्यारी तस्वीर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज दर्शन करने पहुंचे हैं स्वर्ण मंदिर, और साथ ही स्वर्ण मंदिर में शानदार आतिशबाजी की गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर उन तस्वीरों को देख रहे हैं। और आज जब हमने देशहित की शुरुआत ही की तो हमने अपने दर्शकों से कहा कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो इन तस्वीरों को देखिए, एक से बढ़कर एक तस्वीर, और देखिए क्लिक करते हुए लोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो ट्वीट किया गया है अब वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया और ये तस्वीर उनकी तरफ से एक ट्वीट की गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.